आगामी 2 अप्रैल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र में चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता पूर्णागिरी धाम में लगने वाले मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। साल 2022 की 2 अप्रैल से जहां नए विक्रम संवत की शुरुआत हो रही है, तो वहीं चैत्र माह की प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि से चैत्र नवरात्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरी धाम में देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने मेले में बिजली, पानी और पार्किंग जैसी सभी मूलभूत तैयारियां पूरी कर ली। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बीते वर्षों में कोरोना काल के चलते यह मेला लंबे समय तक बंद रहा था। अब स्थिति सामान्य होने पर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रुकने के लिए सुरक्षित जगह, पार्किंग आदि की व्यवस्था भी की गई है। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि वो चाहते हैं कि माता के दर्शन को आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुलभता के साथ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। पूर्णागिरी मेला समिति के अध्यक्ष किशन तिवारी ने बताया कि मेला समिति की तरफ से भी नवरात्रि के समय श्रद्धालुओं के लिए और मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी दर्शनार्थी के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार न किया जाए और न ही अधिक मूल्य वसूले जाएं। इसी क्रम में उनकी तरफ से दुकानदारों को भी हिदायतें दे दी गई हैं। माँ पूर्णागिरी धाम के दर्शन कर लौट रहे किशन उर्फ भोला ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के एटा से आए हैं। साइकिल से 300 किलोमीटर का सफर 5 दिनों में पूरा करके माता पूर्णागिरी के धाम पर पहुंचे हैं। यहाँ पे सफलतापूर्वक उन्हें माता का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए दर्शनार्थी किशन ने राज्य प्रशासन और स्थानीय लोगों का धन्यवाद भी किया है। मेले में यूपी के और उत्तराखंड के बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, उसको देखते हुए हमारी सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। हमारे यहाँ जो पार्किंग की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएँ पूरी हो गई है। हम चाहते हैं कोई भी श्रद्धालु यहाँ आए तो वो एक अच्छा अनुभव करके जाए और अच्छा मैसेज लेके जाए और भविष्य में भी बार बार यहाँ आने के लिए तत्पर रहे। तैयारियाँ नवरात्रि के लिए चल रही है। मेला संचालन समिति, मंदिर समिति दोनों मिलकर वहाँ पूर्णागिरी मंदिर की व्यवस्था कर रही है। पूरे मेला क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था, विद्युतीकरण की व्यवस्था, स्वयं सेवक नियुक्त किए गए हैं। पूरा पर्याप्त व्यवस्थाएं दर्शनार्थियों के लिए की गई है। जगह जगह पानी की व्यवस्था है, पेयजल टंकियां दर्शनार्थियों के लिए रास्ते में लगाई गई हैं ताकि किसी भी दर्शनार्थियों को कोई परेशानी न हो। पूरी व्यवस्था जो है ऊपर से नीचे तक चाक चौबंद रखी गई है। नहीं खैर, ऐसी तो कोई समस्या नहीं है रेट वाली। श्रद्धालु लोग जो हैं अपने मन से ही वहाँ पर प्रसाद जिसको जितने की इच्छा होती है उतने का लेते हैं। कोई पाबंदियाँ नहीं है रेट के लिए। अभी कोई शिकायत भी इस प्रकार की नहीं आई है किसी श्रद्धालु की तरफ से कि कहीं पर रेट की ओवर रेटिंग हो। इसके लिए भी वहाँ पर पूरी जो है वहाँ फोर्स तैनात रखी गई है, वो चेक करते रहते हैं कोई किसी श्रद्धालु को कोई शिकायत ना हो सके। से आया जिला एटा से आया और तहसील अलीगढ़ से। हमको 5 दिन में टनकपुर पहुँच 5 दिन टनकपुर पहुँच रहे हैं और आज 6वें दिन टनकपुर से तैयार हुए स्वतंत्र अच्छे तरीके से दर्शन करके लौट के वापस जा रहे हैं। साइकिल यात्रा की है और अगला भविष्य में हम साइकिल से ही माँ की यात्रा करते रहेंगे। 18-19 आदमी साइकिल से आएंगे। सरकार को धन्यवाद करेंगे और यहाँ की जनता को धन्यवाद करेंगे कि हमको इतना भरपूर सहयोग मिला है, हमको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है।